नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त की अलजगी टीम मौजूद है अलीपुर जज कोर्ट के पास, जहां केएमसी की वोट काउंटिंग हो रही है। देखिए तृणमूल के उत्साह, क्या कहेंगे? आज जो पूरे मगरिब बंगाल में जो जीत है वो ममता बनर्जी की जीत है और पूरे अवाम की जीत है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फिरका परस्त पार्टी पूरे बंगाल में या पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्त पार्टी नहीं चलेगा। निजामुद्दीन सम साहब, दो दो वार्ड। आप ये समझिए, निजामुद्दीन सम ने 78 नंबर वार्ड से अपने कैंडिडेट सोमा दास को जिताया और उन्होंने 75 नंबर वार्ड से 52 साल की रिकॉर्ड को तोड़ा है। जो बामपंथ सरकार जो 52 साल में जो सरकार जो सीपीएम की सरकार थी उनका हुकूमत को खत्म किया, उन्होंने एक चीन की दीवारों को खत्म किया। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि निजामुद्दीन सब जिस भी ग्राउंड में जाएगा, जहां आज ये सबसे 140 वार्ड में सबसे बड़ी जीत है। जो 52 साल का रिकॉर्ड आज वो 52 साल का रिकॉर्ड जो निजामुद्दीन सब ने ये कायम करके ममता बनर्जी के हाथ में एक तोहफा दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील भाई क्या कहेंगे? शकील भाई कितनी बड़ी जीत? हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। निजाम भाई जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद। एक हिस्टोरिक विन, लाल का किला फतह हुआ। बेशक बेशक, 75 नंबर वार्ड में जो कभी टीएमसी ने नहीं जीत दर्ज की थी, आज निजाम भाई के चाहते रहते हुए उन्होंने एकदम जीतोड़ मेहनत कर कर करके ये चमत्कारी जीत किया है, जीत दर्ज किया। और 78 नंबर वार्ड में जो कभी मतलब शक के नजरिए से चल रहा था, वो सोमा दास ने एकदम जो तोड़ 20,000 वोटों से जीत किया। क्या कहेंगे? निजामुद्दीन शम्स ने ये चीज दिखा दिया कि पूरा पोर्ट एरिया में वाहिद एक काउंसिलर है जो किसी को भी हरा सकते हैं। इसीलिए किसी भी वार्ड में जाकर किसी कैंडिडेट को भी हरा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर राजनीति सलाहियत है और वो डेवलपमेंट के वजह से जाने जाते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट हब 77 में जब थे या 78 में थे, दोनों वार्ड में ऐसा डेवलपमेंट किया। उसके बाद जब 75 में गए, वहाँ के वहाँ खुश होके निजामुद्दीन शम्स के माँ बहने भाई जितने हैं दोनों हाथ से वोट दिए। इसीलिए आज दिखा दिया निजामुद्दीन शम्स ने, जब मेहनत किया जाए दिल से तो कोई चीज भी जीता जा सकता है। ये निजामुद्दीन शम्स का मेहनत। 79 से राम प्यार राम जी क्या कहेंगे? 50 साल से राम प्यार राम जी जीत रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड है। काउंसिलर जो पूरा कलकत्ता 144 वार्ड में लगातार जीत रहे हैं, श्री राम प्यार राम जी जो अब तक सीट को आज तक जीत रहे हैं और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जीतेंगे। और राम प्यार राम जी ने ये साबित कर दिया अभी हम जिंदा हैं। जिंदा है राम प्यार राम जी, राम प्यार राम जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बॉबी हकीम जिंदाबाद। आज बॉबी के डेवलपमेंट की वजह से पूरा पोर्ट एरिया में बॉबी हकीम ने जिस तरीके से काम किया, एजुकेशन से लेके सब और भी लोगों से बात करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, आइए आइए। कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत, इतना बड़ा जीत जो हिंदुस्तान में किसी की बस का नहीं था। जो आज रामदास इतना बड़ा मार्जिन से 79 वर्ड में 50 साल से जीत रहे थे, मगर इस साल जो वोट से जीते हैं हम लोग उम्मीद से भी ज्यादा वोट से जीते। ये वोट जीत बॉबी हकीम का है और बॉबी हकीम जितना मेहनत किए हैं 79 78 77। टाइगर जिंदा है, रामदास जी पूरा 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 टाइगर जिंदा है। शमीमा मैडम जो है अब की बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड करते हुए गया है। दीदी को जिस तरह पब्लिक ने आवाम ने जिस तरह दीदी को लुभाया, उस तरह शमीमा रियान खान को लुभा चुके हैं। 77 के वार्ड के पूरे आवाम दिखा दिया कि शमीमा के सिवा दूसरा और कोई नहीं चाहिए। जोरापुर जिंदाबाद। और खास करके हम 77 नंबर के जितने भी माँ बहन जितने भी है सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने बेईमानी नहीं किया। शमीमा रियान खान जो ईमानदारी से काम किए हैं आज उनको ये रिजल्ट दिया है। तो हम सभी 77 नंबर का आवाम को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे दादा? जीत शमीमा रियान का सबको खुशी है, बहुत काम किए हैं इसीलिए पब्लिक भी उनको चुन के लाया वापस। रामदा टाइगर जिंदा है। 79 पे इंसान काम पे बेसिस पे और एक काउंसलर जो हमारे 55 साल से रह चुके उनके काम के बेसिस पे इंसान वोट दिए और ममता बनर्जी के मुंह देख के वोट दिए। हमारे टीएमसी में जो बॉबी हकीम ने काम किया है, हमारे काउंसलर साहब ने जो काम किए काम के बेसिस पे पब्लिक दिखला दिए है। अब की ज्यादा से ज्यादा 7,144 वोट से हमारे रामदा विनर हुए। टीएमसी खेला हो गया।
খেলা হয়ে গেছে খেলা আগেই হয়ে গেছিল এখন আজকে শুধু রিজাল্ট বেরিয়েছে রামদা এক তরফ রামদা এক তরফ নিজাম এক তরফ সোমাদা সব তরফ কমল সরি 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 জোড়া জোড়া ফুল জোড়া ফুল সব তরফ ফুল ही ফুল জোড়া ফুল है और यही टीएमसी की खासियत है कि एक तरफ राम है एक तरफ निजाम है यही हम लोगों के बंगाल की पहचान है यही पहचान है क्या कहेंगे मंगल भाई ये है कि पोर्ट अंचल का विधायक बॉबी हकीम है बॉबी हकीम ने आठों वार्ड में जो काम किया है उसका रिजल्ट आज काउंसिलर के रूप में जितने भी उम्मीदवार टीएमसी के थे सभी को इसका परिणाम मिल रहा है आप लोगों का मेहनत काम आया कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग बहुत शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे क्योंकि हम लोग का चारों पार्ट जो है मोड़भंज रोड से 12 के एक मयूरभंज रोड से जो चारों पार्ट है वो हम लोग विधानसभा में लोकसभा में पिछड़ गए थे बोबीदा के लिए बोबीदा के काम के लिए इस बार हम लोग सर उठा के बोल सकेंगे कि मोड़भंज रोड से हम लोग चारों पार्ट से 78 नंबर वार्ड में सोमा दास को भारी बहुमत से हम लोगों ने अपने पार्ट से जिताया है इसमें बोबीदा का बहुत बड़ा रोल है और निजाम भाई का भी बहुत कोशिश है शुक्रिया सोमा 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 दास जो मैडम है उनकी मम्मी भी है की बोलबेन मां भालो लागछे आमी खूब खुशी आमार मेये जीतेछे आमी खूब खुशी एवं जादेर जोन्नो जीतेछे तारा तादेर पीछने जेनो आमार मेये काज करते पारे एई आमार आशा एक इतिहास निजामुद्दीन सम का आपने याद रख दिया 75 नंबर वार्ड में जो कभी नहीं हुआ निजाम में करके दिखा दिया इंशाल्लाह हम लोग बहुत खुशी मनाएंगे 75 नंबर गेम मेकर निजामुद्दीन सम जिंदाबाद क्या कहेंगे गेम मेकर कह सकते निजामुद्दीन सम गेम मेकर यहां पर देखिए जो पिछला 10 साल से कंटिन्यू जो डेवलपमेंट हुआ है पूरा कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में साथ साथ हमारे जो फिराद हकीम जो हमारे लीडर है निजाम भाई जिन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है पिछला 10 साल में कोई ऐसा गली कोई ऐसा कूचा नहीं है जहाँ डिप्लोमेंट नहीं पहुंचा है पूरा ब्यूरो लाइन का 8 वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर ममता बनर्जी का स्कीम नहीं पहुंचा हो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्कीम नहीं लिया हो इसी का रिजल्ट है आज सब जगह ममता बनर्जी का दो जोड़ा फूल खिल गया है जोड़ा फूल खिल गया है और हम लोग 78 और 75 में निजाम भाई ने इतिहास दिया इतिहास जिसको बोलते हैं मेक इतिहास इतिहास हिस्ट्री 45 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया तिरपन साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो कोई भी टीएमसी तोड़ सकता है और कोई भी पार्टी नहीं तोड़ सकता क्योंकि टीएमसी इतना मजबूत पार्टी है बंगाल कितना खुशी है हम लोग जितना खुशी है खुशी का इजहार ही नहीं करते खुशी का इजहार खेला हो गया छे खेला तो हम लोग दीदी पहले खेल चुकी है अगर हम लोग के बस में होता तो हम लोग हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखा देते अगर हमारे बस में होता तो हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखा देते खेला तो दीदी पहले खेल चुकी है हाँ। ये खेला तो छोटा मोटा दिखाया आप जाएंगे आप गोवा में खेलने आएंगे एक बार खेला हमें गोवा खेला हमें दिल्ली के दिल्ली से चाहे हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिल्ली द लोकल जर्नलिस्ट ग्राउंड से हर जगह की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही थी क्या कहेंगे लोकल जर्नलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद सबके साथ है इकबाल भाई जिंदाबाद की बोलबेन दीदी बोलबेन 78 नंबर